कनाडा का वीजा अभी अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि देखना चाहता हूं कि क्या होगा आगे, कनाडा इंडिया की जो चल रही है कंट्रोवर्सी उस पर क्या होने वाला है, तब जाके वीजा अप्लाई करूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कोई और वीजा अप्लाई करके चला जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ है इंडिया और कनाडा के वीजा प्रोसेसिंग को लेकर के, केवल आपके माइंड को इफेक्ट हुआ है थ्रू मीडिया ऑफ इंडिया, जो इंडिया की मीडिया चल रही है उसके थ्रू आपको माइंडसेट हो गया। लेकिन इसमें आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक जो स्टेटमेंट आया था, हिंदू इंडियंस कनाडा छोड़ के चले जाओ, जिन्होंने दिया है वो खुद ही कनाडा में ही रहते हैं, वो खुद ही यूएसए के अंदर रहता है, जो हरपतवंत सिंह पन्नू है जिनका नाम। सो डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट दैट स्टेटमेंट। कनाडा में फोन लगा के देखिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्या हुआ है। वो बोले अरे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ फाइन है यहाँ पर, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। हुआ सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया मीडिया को हुआ है, वो उनके अपने पर्सनल एजेंडाज हैं तो वो अपने पूरे कर रहे हैं। आप अपने पर्सनल एजेंडा को मत छोड़िए, स्टार्ट योर इमिग्रेशन प्रोसेस टुडे, डोंट बी अफेक्टेड, कम टू नेशनवाइड इमिग्रेशन सर्विसेज एंड विल मेक इट पॉसिबल। दूसरी बात, हमारे पास बैक टू बैक इन्वाइट्स आ रहे हैं। On Tuesday, there were 3,000 invitations given through federal government. 3,000 लोगों को invite किया। पिछले Tuesday को भी 3,200 लोगों को invite किया था। And Ontario has given more than 1,600 invitations today only to nurses. केवल nurses को under category based हो, 1,600 invitations are given. तो Canada immigration नहीं रुक रही है, रुक कौन रहा है? आप, किसकी वजह से? इंडियन मीडिया की वजह से। बाहर जाके देखिए कुछ नहीं है, स्टार्ट योर इमिग्रेशन प्रोसेस, नहीं तो कोई और अप्लाई करके चला जाएगा आपकी जगह पर। थैंक यू।